नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। टीम इंडिया मैच जीत चुकी है। शानदार तरीके से टीम इंडिया का T20 विश्व कप का आगाज रहा, और वो भी पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के खिलाफ जीत हर क्रिकेट फैंस के दिल में एक अलग ऊर्जा पैदा कर देती है, और यही जोश और जुनून भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के अंदर भी आ गया जब टीम इंडिया ने बेहतर तरीके से इस मुकाबले को जीता और पाकिस्तान को मात दी, पाकिस्तान को पस्त कर दिया। दरअसल जब टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच को जीत गई, उस वक्त रोहित शर्मा जो कप्तान है, जो बेशक इस मैच में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जोश और जज्बा और जुनून उनके अंदर भी है। रोहित शर्मा मैदान पर आए, उन्होंने विराट कोहली को अपने गले लगा लिया, अपने कंधे पर उठा लिया, और इस तस्वीर को देखकर जो तमाम आसपास के खिलाड़ी थे वो हंसने लगे, क्योंकि इन दोनों की तकरार की बातें लगातार चलती हैं। लगातार कहा जाता है कि दोनों के बीच में मनमुटाव है, लेकिन जिस तरीके से रोहित शर्मा ने विराट कोहली को अपने कंधे पर उठा लिया, अपने गले लगाया, विराट कोहली ने भी उन्हें हग किया, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों का भाईचारा, दोनों के बीच में याराना कितना शानदार है, और दोनों एक दूसरे की कितनी रेस्पेक्ट और कदर करते हैं। क्योंकि विराट कोहली की इस पारी का अंदाजा, विराट कोहली की इस पारी की कीमत रोहित शर्मा को पता है। रोहित शर्मा को पता थी कि विराट कोहली की ये पारी क्या है। रोहित शर्मा को पता था कि विराट कोहली की इस पारी की कीमत क्या है, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ उस मुकाबले में जब टीम इंडिया इस मुकाबले को हार सकती थी। शुरुआत में 4 विकेट 31 रन पर गिर चुके थे, तब उस मुश्किल सिचुएशन से विराट कोहली ने इस मैच को निकाला, और विराट कोहली की तारीफ करनी होगी, इसीलिए कप्तान अपने आप को रोक नहीं पाए और विराट कोहली को कंधे पर उठा लिया, विराट कोहली को अपने गले से लगा लिया और कहा थैंक यू मेरे भाई विराट कोहली। और विराट कोहली ने भी उनके कंधे को थपथपाकर उनको गले लगाकर कहा कि कोई टेंशन नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं टीम में इंडिया में हूं, तब तक आप परेशान मत होइएगा। तो आपका विराट कोहली और रोहित शर्मा के इस याराना पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। टीम इंडिया की इस जीत को आप किस तरीके से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।